ये पूरी फ्राइडे वाली गली है इस टाइम का दाल का गोभी का मूली का मटर का पनीर का पापड़ का टमाटर का रबड़ी का खुरचन का केले का काजू का करेले का नींबू का पुदीने का हरी मिर्ची का बेसन मिर्ची का मिक्स ना ये पराठे नहीं होते। तो ये देखो इस टाइम इसका पराठा है। टाइमिंग बताओ एक बार यहाँ की। दिल्ली के स्ट्रीट फूड की हमारी सीरीज में आपका स्वागत है। आ चुके हम चांदनी चौक की दूसरी जगह पे पराठे वाली गली। बिल्कुल मेरे पीछे है, बहुत ही बढ़िया हिस्ट्री है इसकी। ठीक है, तो अंदर चल के मैं पूरा बताऊंगा इसके बारे में। और पहले वाली नहीं देखे तो आई बटन में लिंक दे दूंगा। जलेबी वाले पे हम गए थे, बहुत ही बढ़िया, वहाँ कस्टमर के हमने रिव्यूज़ लिए थे, तो वो भी देखना। तो बहुत ही बढ़िया पराठे वाली गली के बारे में तो जहाँ तक आपने सुना होगा, नहीं सुना तो बता दो। चांदनी चौक में बहुत फेमस जगह है पराठे वाली गली। यहाँ सिर्फ आपको पराठे नहीं, बहुत टाइप्स की फूड मिल जाएंगे इधर। बस अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ कि क्या क्या है। मैं खुद फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो बस आपको बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे डिजिटली। Hey guys, welcome back to the vlog. मैं आपका दोस्त आपका होस्ट बोल के स्वागत है नए व्लॉग में आपके अपने यूट्यूब चैनल चांदनी चौक पे। ये रही पराठे वाली गली, चलिए अंदर चलते हैं। आप पूरी पराठे वाली गली इस टाइम सिर्फ पराठे नहीं है इधर, बहुत सारी चीजें हैं। इस टाइम यहाँ देख लो रबड़ी मंडा, ठीक है, देखो सूट की भी शॉप है इधर, प्रॉपर हर चीज है। नान मिठाई भी है इधर, गर्मा गर्म नान चटाई खा के खाने की इच्छा घटी है भैया। कहाँ भी आपकी शॉप का? प्रसाद शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? पीटी कन्हैया लाल दुर्गा प्रसाद। पीटी कन्हैया लाल, यहाँ से आओगे ना टर्न लेके सीधा सामने आओगे, कहीं मत जाना, यहीं आना। तो यहाँ पे अब मैं करता हूँ टेस्ट और दिखाता हूँ। बहुत ही बढ़िया दिख रही है अभी शॉप इस टाइम, और ओनर का नेचर तो आप देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया। कितना टाइम से आपकी शॉप है? 1875 से जी। 1875 से? अच्छा, यहाँ पे स्पेस है बैठने वगैरह की? बिल्कुल है। यहाँ के ओनर है, आपका नाम क्या है? भारत तिवारी। भारत तिवारी, क्या क्या आपके पास इस टाइम? पराठे मिलेंगे। अच्छा, पराठे वाली गली है, पराठे आलू का, दाल का, गोभी का, मूली का, मटर का, पनीर का, पापड़ का, टमाटर का, रबड़ी का, खुरचन का, केले का, काजू का, करेले का, नींबू का, पुदीने का, हरी मिर्ची का, बेसन मिर्ची का मिक्स वेज, तीन सब्जी, दो चटनी और चार तो पराठे के साथ मिलेगा जी। ये कितनी बार बोल लेते दिन में? प्रैक्टिस होगी ये, यहाँ तो प्रैक्टिस होती है। ओहो, खूब जितना प्यारा इन्होंने नाम बोला, जितनी स्पीड से बोला, ऐसा स्पीड से खाना भी हो जाए, सर्विस भी हो जाए और क्वालिटी भी ऐसी ही हो। तो चलो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं। गाना कौन सा सुन रहे हो? कौन सा गाना चल रहा है? गाना नहीं चल रहा, लॉलीपॉप वाला गाना सुन रहा है। लॉलीपॉप वाला खा भी रखा है एक्चुअली ना, ये पराठे नहीं होते। अगर हम देखा जाए ना तो ये पूड़ियाँ टाइप का होता है, एक तरह से ये तलते हैं पूरा देसी घी में। अच्छा हाँ, जब इतने महंगे हैं, जब इतने महंगे। चलो देखते हैं, बढ़ते हैं नहीं है, खा के देखते हैं, ट्राई करते हैं। अपना पराठा आ चुका है, मैं टेस्ट करके बताता हूँ। तो ये देखो इस टाइम इसका पराठा है, जो साथ इसकी चटनी मिली है, इस टाइम तीखी भी मिली है और मीठी भी मिली है, दोनों में से कोई नहीं खाऊंगा अभी मैं। इसके साथ जो सब्जी मिली है ना वो खाता हूँ। एक्चुअली सुमित ने बिल्कुल सही कहा था, ये मतलब पराठे है ना, ये पूरी टाइप की है, ठीक है, और इनके जो साथ छोले मिले हैं, छोले आलू मिले हैं, इनका टेस्ट भी ऐसा ही आ रहा है। क्लीन टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, और सबसे बड़ी बात बताऊँ ऑयल फ्री है, हाथ आपके देखो बिल्कुल साफ रहते हैं, कुछ भी नहीं होता। अभी मैंने आलू वाला ऑर्डर किया है इस टाइम, प्याज वाला है नहीं इधर, तो बहुत सारे टाइप के हैं, मतलब 20-25 टाइप के पराठे, तो आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं इधर, ठीक है। टेस्ट के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो अच्छा है, पर अगर इसको अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ये पराठे नहीं होते, इसको हम पूरियां बोलते हैं अपने। हाँ ये तो है। टाइमिंग बताओ एक बार यहाँ की। सुबह 8 बजे से, अच्छा, रात के 11 बजे तक। 11 बजे तक, सातों दिन? सातों दिन, संडे को भी। बढ़िया, देखिए शॉप का व्यू और यहाँ के ओनर है। दोबारा बता दो एक बार नाम। पीढ़ी का नहीं है लाल दुर्गा प्रसाद दीक्षित, ठीक है ना, नाम अब भी नहीं आया होगा आपको समझ, पर जरूर आना है शॉप पे। एड्रेस मैंने आपको बता दिया, लोकेशन एक बार मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर आना इधर, ठीक है, यहीं मिलेंगे आपको, यहीं पे बैठे हो यहीं मिलेंगे। तो एक प्लेट में दो आते हैं, और दो प्लेट में हमने ली दो प्लेट इस टाइम, और जो इस टाइम बिल आया वो हमारा है 280 रुपीज़। तो पूरा देख रहे हैं इस टाइम मेरे पीछे पराठे वाली गली है, यहाँ चल दिए हैं और
अब हम जाएंगे अपने तीसरी जगह पे, जिसका आने वाला है बहुत जल्दी ब्लॉग। अगर ये वाला कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, कोई कमी लगी कोई भी दिक्कत लगी हो तो कमेंट जरूर बता देना यार, और मज़ा आया हो तो बस एक लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब ठोक देना, इंस्टाग्राम पर कर देना भाई को फॉलो। सो सबसे पहले हम थैंक यू करते हैं सुमित का यार, ये इसके बिना ये ब्लॉग नहीं था। सो थैंक यू सुमित भाई, थैंक यू सो मच। तो चलो अपने चलते हैं नेक्स्ट जगह पे, जो हमारे एपिसोड 3 में दिखने वाला है, चांदनी चौक की जंग बहादुर कचौड़ी वाला, विदाउट अनियन विदाउट गार्लिक। So this is Pulkit Trinaya signing off from Journey Gossips. Bye-bye.